अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरे पास मनी प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं और ये मनी प्लांट हम सभी लोगों को पसंद है और बहुत शौक़ से हम इन मनी प्लांट्स को अपने घर में लगाते हैं। मेरे जो ये मनी प्लांट्स हैं, ये पहले ऊपर शेड था, उसकी वजह से बहुत अच्छी ग्रोथ थी। अगर मेरी पुरानी वीडियोज़ में जाएँ तो आप देखेंगे कि उसमें उनकी ग्रोथ कितनी अच्छी है, लेकिन जब से हमने शेड हटा दिया तो उनकी ग्रोथ बहुत ख़राब हो गई। और ये इस पर मैंने कई दफ़ा आप लोगों को बताया भी, और अब देखिए कि इनके ये जो मार्बल कुल हैं, इनके लीव्स किस तरह बर्न हो रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह अब इस पर डबल नेट लगाएंगे, सिंगल नेट तो है लेकिन इसके बावजूद ऊपर से जो आती है डायरेक्ट सनलाइट काफ़ी आती है, तो लिहाजा अब जो है वो मैं जो हूँ वो ऊपर नेट लगवा लूँगी, मज़ीद डबल नेट, तो उससे अच्छा जाएगा। तो मेरे पास मनी प्लांट की वैराइटीज़ तो हैं, लेकिन कुछ मनी प्लांट की वैराइटी ऐसी है जिनकी मेरे पास सिर्फ एक ही पॉट हैं और मैं चाह रही हूँ कि मैं उनके काफ़ी पॉट्स बना लूँ। जैसे कि आप देखिए कि मेरा ये वेरीगेटेड वाला है, बहुत खूबसूरत है, और इसके पास मेरे पास का एक ही पॉट है, काफ़ी इसकी ब्रांचेज भी निकल आई हैं, मैंने पिंचिंग कर दी थी, और जो ये वाला है इसकी भी एक ही है। तो चलिए आज हम इसको मैं प्रिपेयर करने जा रही थी, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। अगर आपको भी इसकी छोटी सी ब्रांच मिल जाएगी तो आप इससे पूरा एक प्लांट तैयार कर सकते हैं, और फिर उस प्लांट से आप कई प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आइए मैं आपको बताऊँ कि हम किस तरह लगाते हैं। तो देखें, जैसे कि ये वाला है, ये जो मेरा वेरीगेटेड वाला है, इसको मैंने कट किया था यहाँ से। तो देखिए इसकी एक ये और ब्रांच निकलनी शुरू हो गई, तो ये जो पूरी एक, देखें मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि ये देखिए यहाँ से इसके निकलते हैं रूट्स, देख रहे हैं ये रूट्स निकलती हैं। अगर हम यहाँ से कट कर देते हैं तो ये पूरा एक प्लांट बन जाता है। जब मैंने ये कट किया तो आप चीज़ देखिए पिंचिंग का कितना अच्छा फ़ायदा होता है। ये मैंने कट किया, यानी मैंने पिंच क्या किया, मैंने कट कर दिया था। देखिए एक ये प्लांट निकल रहा है, लीफ निकल रहा है, एक देखिए ये निकल रहा है। तो इस तरह से होता है। अब मैं इसको कट करके लगाऊंगी, और कैसे लगाएंगे चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये है ना, ये निकलने की जगह है रूट्स की। हमें क्या करना है, इतनी बड़ी ब्रांच यहाँ से हम इसे ऐसे कट कर लिया, ठीक है? आप ये देख रहे हैं, ये पूरा एक प्लांट बन जाएगा इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह। अब आपको दिखाती हूँ मैं, ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाला हम इसको कट कर देंगे यहाँ से, ये मैं इसको ऐसे लगाऊंगी। ये जो यहाँ से रूट्स निकलेंगी और यहाँ से मजीद प्लांट निकलेंगे। ये निकाला मैंने दो, और एक और ले लेती हूँ, ये देखिए ये हो गए तीन। अब हम आते हैं अपने इसकी तरफ, इस वाले को, इसके भी हम निकाल लेते हैं इसी तरह से ब्रांचेस, ठीक है, इसी तरह के हम ब्रांचेस लेंगे। चलें अब देखते हैं, ये देखिए ये मेरा काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, आगे तक चला गया है। मैंने अभी इसको दिखाती हूँ, मैंने अभी इसको एक तरफ लगाया है, ये देख रहे हैं आप इसकी, ये आप देख रहे हैं, ये सब रूट्स हैं। इतना अच्छा ये आराम से हम मनी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन देखिए ये क्यों हुए पता है, ये देखिए मट्टी में, ये दूसरी जो मेरा मनी प्लांट है ना, ये वाला, इसके अंदर इसकी ये ब्रांच चली गई, जिसकी वजह से देखिए इससे सब तरफ से रूट्स निकल आई, और ये रूट जो है ये चली गई, और ये आगे मजीद इसके इतनी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हुई। ये देखिए आप, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो आप पतला सा देख रहे हैं ना, ये मेरे इंग्लिश आईवी है, ये देखिए आप पता है मैं क्या करूँगी, देख कितना इजी टू ग्रो है। अगर आपको कहीं से भी मिल जाए आप ले आइए, ये है, मैं ये देखिए सब इसके रूट्स निकल लेंगे, देख रहे हैं आप, सब तरफ से रूट्स निकल लिए। तो मैं यहाँ से इसको, ये मैंने कट किया, ये पूरा एक प्लांट बन जाएगा। ये देखिए आप, यहाँ से रूट निकल रही है, मैं ईजिली इसको ऐसे लगा दूँ, ये मैं एक ही ले लेती हूँ, और मैं इसको वापस लगा दूँगी, और इसी तरह से सारे लगाऊँगी। फिर मैं इंशाल्लाह आपको बहुत से प्लांटर बनाते दिखाऊँगी, लेकिन एक मैं आपको डेमो के तौर पर दिखा देती हूँ। चलें, ये अब आपने करना क्या है, करना ये है कि ये देखिए मैंने छोटा सा पॉट किया है, इस पॉट में मैंने बालू मिट्टी ली है, और आप इस समझिए कि मैंने स्पेशली नहीं ली है, मेरा एक पॉट खाली हुआ था, उसमें प्लांट था, वो प्लांट सूख गया, जब तक सर्दियां आ गई ख़त्म हो गई, गर्मियां का स्टार्ट हो गया, तो वो पौधा सूख गया, तो मैंने उससे वही मिट्टी ली है, कोई स्पेशल मिट्टी नहीं ली है। अब करना क्या है, करना ये है कि हमें इसको लगाना है, और हमें कैसे लगाना है, ये ऐसे लगाना है, ठीक है। ये देखिए अब मैं क्या करूँगी, मैंने ये किया, ये लिया, इसको इसके अंदर ऐसे रखा, और मैंने इसको ऐसे कर दिया, बस बहुत इजी। इसको थोड़ा पटक लूँ, ये गैप ना रहे, बस ये किया। अब जो ये वाला है इसको मैं ऐसे लगाऊंगी, ठीक है, ताकि यहाँ से रूट्स निकले और ये फैले। इसको भी बिल्कुल मैं ऐसे करूँगी, मैं एक ही पॉट में लगा के आपको दिखा रही हूँ, आप चाहे अलग अलग पॉट्स में लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि किस्सा लगाना है। और अभी आपको मैं दिखाऊँगी इसका एक, और इसी में सब मैं लगा देती हूँ, ठीक है। एक और जगह मैंने लगाया हुआ है, और ये ऐसे
सरा सा मैं कर दूँ ना ऐसा ना हो कि बाहर निकल आए। ये ऐसे और ये वाला देखिए निकल रहा है ना, इसको मैं यहाँ पर ऐसे करके थोड़ा सा उसको प्रेस करूँगी, इस पर मट्टी डाल दूँगा ताकि इस पर थोड़ा सा वो कवर कर दूँ इसको, ठीक है। ये करके हमें रखना है इसको शेडी प्लेस में। आप कहीं भी अपने ऐसी जगह रख दीजिए कमरे के अंदर कहीं पर भी जहाँ हल्की सी विंडो से तो आए धूप, डायरेक्ट सनलाइट ना आए, इनडायरेक्ट हल्की हल्की सी आती रहे, और बस पानी डाल देना और हर वक्त आपको हल्का हल्का मॉइस्ट रखना है, बस कुछ और नहीं करना। और टच ज़्यादा आपने नहीं करना, बहुत ये जो मनी प्लांट होते हैं ना इनकी रूट बहुत दिनों में निकलती हैं। देखिए मैंने ये रख दिया, अब मैं इसको शेडी प्लेस में रख दूँगी अपने अंदर लिविंग रूम में जहाँ हल्की सी डायरेक्ट सनलाइट आती है, नॉर्मल जो आती है। मैं आपको दिखाऊं कि देखिए मैंने इससे पहले इसको लगाया हुआ है, आपको पीछे दिखाती हूँ इसके अंदर। ये देखिए मैंने इसी वेरीगेटेड वाले की ये ब्रांच लगाई है, इसको लगाए हुए तकरीबन 15 दिन हो गए। अभी किसी ने बिल्ली ने शायद खींच दिया, मैंने दोबारा दबा दिया इसको। ये देखिए लगाए 15 दिन, अभी 20 दिन हो चुके हैं, काफ़ी दिन हो गए, मतलब देखिए ये लग चुकी है। मैंने ये ब्रांच पूरी लगाई है बिल्कुल इसी तरह। मैं आपको एक और दिखाती हूँ, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली। ये देखिए आप जो ये वाली है ना मेरी, ये जो गोल्डन वाली है, ये देखिए मैंने इसकी लगाई भी है जो लाइम कलर की है। इसकी मैंने 2 ऐसे ही ब्रांचेस लगाई हैं। चले हम चेक भी कर लेते हैं, काफ़ी दिनों से लगी हुई है, वैसे मैंने इसको चेक तो नहीं किया है अभी तक। मैंने जैसे आप लोग से कहती हूँ कि टच ना करें, इसीलिए मैं भी बिल्कुल टच नहीं करती, मैंने ये काट के लगाई थी। अभी आप चेक कर लेते हैं, 2 ब्रांचेस लगाई थी, देखें अभी तक इनकी रूट ज़्यादा नहीं निकली है, हल्की सी। तो काफ़ी टाइम लेते हैं ये प्लांट जो है ना, इसको मैंने ऐसे लगाया था, काफ़ी टाइम लेते हैं ये वाली जो वैरायटी है। बट मैं वो बता रही हूँ जो मेरे साथ हो रहा है, होता है किसी की बहुत जल्दी लग जाती होगी ना, ये भी होता है। और एक देखिए मैं आपको और दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पर लगाई है, ये देखिए ये तो माशाल्लाह मेरी लग गई है, मुझे लगता है। ये देखिए ये पूरी एक ब्रांच लगाई है मैंने, देखिए ये पूरी एक ब्रांच ये लग गई है, शायद देखें काफ़ी दिनों से लगी हुई है ये भी। और बिल्कुल इसी तरह मैं आपको दिखाऊँ, आप ये देखिए ये मैंने लगाया हुआ है मनी प्लांट की, ये वाली इसी तरह काट के। तो चलिए आइए चेक कर लेते हैं कि ये जो मैंने लगाई हुई है इसके अंदर जो है वो निकली है कि रूट्स निकली हैं कि नहीं। इसको लगाए हुए भी मेरे ख्याल एक हफ्ते से ज़्यादा ही हो चुका है। मैं ये वाली निकाल के देखती हूँ, बिल्कुल जो मेथड आपको सिखाया ना मैंने, बिल्कुल ऐसे ही मैंने इसको बनाया है। चलो ये देखिए आप ये देख रहे हैं, ये इसकी रूट्स निकलना शुरू हो गई हैं और मैंने बिल्कुल ऐसे काट के और एक नया ब्रांच भी निकल रही है इसमें से। देखिए लीफ कहेंगे जो भी लीफ निकल रहा है मेरे ख्याल, ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं ये लीफ निकल रहा है और ये इसकी रूट निकल गई। यानी ये एक पत्ता जो है खाली, ये एक लीफ हमारा पूरा एक प्लांट बन जाएगा, है ना मज़े की बात। तो इस तरीके से हम अपने इसको भी देख लेते चले, कोई बात नहीं है, इसको भी चेक कर लेते हैं, चेक करने में कोई बुरी बात नहीं है। आप लोगों को तो दिखा दूँ, मैं दोबारा लगा दूँ, आप लोग नहीं निकाल के चेक कीजिएगा। नहीं देखिए इसमें अभी तक देखिए सिर्फ लीफ निकलना शुरू हुआ, देखिए लेकिन रूट्स अभी नहीं निकली हैं, मेरे ख्याल अभी तक नहीं निकली हैं, लेकिन ये भी लग जाएगा जब लीफ निकलना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से हम मनी प्लांट को प्रोपिगेट कर सकते हैं, कहीं से भी आप देखिए एक तो कोई भी आपको मिल सकता है कहीं से। इसलिए कि मनी प्लांट की इतनी सारी वैरायटीज़ होती हैं और हमारे कराची में तो इतनी मुश्किल से मुझे ये वैरायटीज़ मिली हैं। अमूमन नर्सरीज़ में आम जो मनी प्लांट होते हैं ना वो मिल जाते हैं, वो बड़े महंगे मिलते हैं, 500-550, ज़रा बड़ा प्लांटर होता है 350, इससे कम का तो कोई पौधा ही नहीं है मनी प्लांट का, कोई मतलब नहीं है। तो लिहाजा अगर आपको एक भी अपने किसी फ्रेंड के वहाँ से एक ही ब्रांच मिल जाए उससे आप बहुत सारे प्लांटर्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब पानी का आपने ख्याल रखना है कि आपने हल्का हल्का सा मॉइस्ट रखना है अपने। मेरे इसका देखिए कोई भी होल नहीं है और ये थोड़ा सा टूट सा गया था यहाँ से, तो मैंने इसमें का प्रोपोगेट करके देती हूँ, तो ईजिली प्रोपोगेट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप दूसरी जो मनी प्लांट है आप इनको भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगता है, बस हल्का हल्का सा मॉइस्ट इसको रखना पड़ता है। और देखिए इसी तरह इंग्लिश आईवी को भी मैंने लगाने की कोशिश की, और इंग्लिश आईवी जो है वो यहाँ से की थोड़ी सी इंग्लिश आईवी की, बस लीव सारे झड़ गए, देखिए आप सारे लीव झड़ गए इंग्लिश आईवी के। तो ये हुआ मेरे साथ, खैर मैंने इसको उधर से निकाल के, असल में मैंने इसकी ब्रांच ला के ना इसी स्पॉट के अंदर लगा दी थी, इस पॉट के अंदर वो किसी ने खींचमतानी आगे पीछे पॉट किया तो उससे वो उसकी रूट्स जो हैं वो टूट गई और फिर निकल आया, मतलब वो पूरी ब्रांच निकल आई तो वो सूख गई, लिहाजा मैंने उसको निकाल के वहाँ लगा दिया। लेकिन इंग्लिश आईवी भी इस वक्त मेरे घर लग रही है, ख़राब हो रही है, लीव निकल आते हैं फिर सूख जाते हैं। खैर
अब मैंने इसको बिल्कुल ज़्यादा टच नहीं करी हूँ, तो ये एक जो इसकी ब्रांच है देखिए निशाइवी की, ये ऊपर जा रही है यहाँ से। अब देखें ये क्या, इसका क्या होता है, देखिए ये एक ब्रांच आ रही है, लेकिन आगे के लीव अमूमन इनके सूख जाते हैं। तो ये भी काफ़ी ट्रिकी प्लांट मुझे लगता है, जिनके घर लग जाता है उनके घर लग जाता है, लेकिन जिनके नहीं लग पाता वहाँ बड़ा मसला होता है। ऐसे कि मैं इसे मुसलसल इसको कर रही हूँ, और आप लोग के सामने मैंने शेयर भी किया था कि मैं ये प्लांटर प्लांट लेकर आई थी, आप लोग को दिखाई भी था मैंने। तो बस इस तरह होता है, आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये सब चीज़ें समझ में आती हैं। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।